हे एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल तो आज हम बनाने वाले हैं राजमा मसाला की रेसिपी uh, काफ़ी इजी टू मेक है एंड एक सीक्रेट ट्रिक भी है मेरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे राजमा मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है तो यहाँ कुकर में मैंने लिए हैं दो कटोरी राजमा उसमें मैंने डाला है चॉप्ड गार्लिक गार्लिक और जिंजर की पेस्ट उसके बाद मैंने यहाँ पर डाले है सूखे मसाले आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हो मैंने यहाँ पर रेड चिलीज काली इलायची क्लोव्स तेज पत्ता ये सब डाला है इसके बाद हम बनाएंगे राजमा का मसाला उससे पहले आप मुझे बताओ कि आपका फेवरेट राइस के साथ कौन सी करी है राजमा चावल करी चावल दाल चावल सबसे अच्छा आपको क्या लगता उसके है उसके बाद हम मसाले के लिए लेंगे एक पैन उसमें डालेंगे अनियन मेरे को अनियन चॉप्ड पसंद नहीं है वो बिल्कुल मुंह में जो आते हैं इसलिए मैंने ग्राइंडेड लिया है तो यहाँ पर मैंने प्याज को ग्राइंड कर लिया था एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर डाली थी ग्रीन चिलीज थोड़े से रेड चिलीज और जैसे इसमें से ऑयल निकलना शुरू हो जाता है और ये काफ़ी स्टिफ पेस्ट बन जाता है तो इसमें मैंने डाला था टमेटो प्यूरी। ऑलवेज मेक श्योर कि आपको अच्छे से इस पेस्ट को भूनना है और ना कि सिर्फ ब्राउन करना है तो मैं इसको लो गैस पर बनाती हूँ आप चाहो जल्दी में बना रहे हो तो हाई पे बना सकते हो बट इट्स बेटर टू मेक इट ऑन लो फ्लेम एंड बस इसके बाद मसाले डालने हैं बेसिक और मैं यहाँ पर राजमा मसाला यूज नहीं करती हूँ अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो उसके बाद इसे भी 20 मिनट तक कुक होने देना है एंड एंड में मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल देती हूँ मॉइस्चर के लिए और जो सीक्रेट ट्रिक की मैं बात कर रही थी मैं राजमा को लेती हूँ एंड इसको थोड़ा सा एक कटोरी में लेके मैं थोड़े से राजमा को मैश कर देती हूँ इससे काफ़ी थिक हो जाती है ग्रेवी तो आप चाहो तो ये कर सकते हो अगर आपको काफ़ी पतली ग्रेवी पसंद है तो आप ये स्किप भी कर सकते हो थोड़े से राजमा के साथ ऐसे करके मुझे काफ़ी टेस्टी ग्रेवी लगती है एंड बस उसके बाद जो हमने मसाला बनाया था वो हम इस कुकर में ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करके हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए कुक करेंगे तो ऐसे आपका राजमा मसाला तैयार है ऐसी और वीडियोस और रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड डू लाइक द वीडियो